अपना लेफ्ट हैंड लो और उसको थोड़ा सा राइट हैंड से मसलो। सभी जने करो 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 बेटा, आई इंसिस्ट। नहीं नहीं, आई इंसिस्ट। जिन्होंने सवाल पूछा है, अपना लेफ्ट हैंड लो, राइट हैंड से थोड़ा सा साफ कर दो, थोड़ा सा। अब ये लेफ्ट हैंड नहीं मारना नहीं, मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता, मैं हिंसा में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अब इसको ऐसा करो किया। अब अपना जो राइट हैंड है उसका ऐसे वेव करो मेरी तरफ, हेलो हाय कैसे काई वर। हाँ, अब इसे मुट्ठी बनाओ राइट। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा करते चले ना। अब ये राइट हैंड से ये लेफ्ट हैंड के बिल्कुल बीच में आपको पंच मारना है, और पंच इस साइड से रहना चाहिए, भद्रकाली वाला पंच है ना, यहाँ से बिल्कुल पंच मारना है। ऐसा पंच मारना है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाना चाहिए। देखो अच्छे से गड्ढा हुआ है कि नहीं, गड्ढा सही होना चाहिए। वेरी गुड। सौरभ कुलकर्णी कह रहा है सर आपकी सैलरी कितनी है। बेटा आप तो डबल गड्ढा बनाओ, है ना, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। गड्ढा बनाया सभी ने, शाबाश। अब एक काम करो, ये जो गड्ढा बना ना इसमें डालो पानी। ये जो गड्ढा है ना इसको कहते हैं चुल्लू। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस 5 मिनट की बात है, सब खेल खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में सारी लीला समाप्त हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ये गड्ढा जो है ना इसको प्यार से कहते हैं चुल्लू। लल्लू नहीं, चुल्लू। बहुत ही बढ़िया। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट यू लाइक। अगर आपको गर्म पसंद है गर्म ले, अगर आपको ठंडा पसंद है ठंडा ले, अगर आपको रूम टेम्परेचर पसंद है रूम ले। पर मैं कह रहा हूँ ये सब फीलिंग सिर्फ 5 मिनट की, 5 मिनट के बाद सारी लीला समाप्त हो जाएगी। इसको नजदीक लेके आओ। हाँ मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता हूँ बेटा, मैं बिल्कुल हिंसा में बिलीव नहीं करता हूँ। बिल्कुल नजदीक लेके आओ, नाक के नजदीक लाओ। हाँ नाक डुबाओ, इसमें नाक डुबाओ, नाक डुबाओ, नाक डुबाओ। अंदर खींचो अंदर खींचो अंदर खींचो अंदर खींचो। देखो धीरे धीरे आप जब इसको अंदर खींचोगे कुछ और चीज बाहर निकलेगी, आप जब इसको अंदर खींचोगे कुछ और चीज बाहर निकलेगी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे देखो आपको अपनी जिंदगी की सारी पुरानी यादें सामने दिखाई दे रही होगी। आपने अपनी जिंदगी में जो जो अच्छे काम किए हैं बुरे काम किए सब आपको दिखाई दे, सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। देखो हाँ ऐसे कैसेट की तरह घूमी होगी आपको, क्या आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। बहुत बढ़िया और बस बहुत अच्छे थे ऐसे बच्चे। मुझे बहुत याद आते हैं ऐसे बच्चे जो क्लास के 7वें लेक्चर में आके वो सवाल पूछते हैं जो क्लास के पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में सिखाया गया है। जब ऐसे बच्चे आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।